ये त्रिपुरा देखने में बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मगर 25 साल से यहां जो सरकार चल रही है ना, किसकी चल रही है भाई? सीपीएम की सरकार चल रही है। इसने त्रिपुरा में विकास के नाम पर बड़ा जीरो किया है, जीरो। आई जी वर्ष देश भर में पूछता हूँ, जीरो खोली से कुछ जीरो होगा। देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ हर गांव में विकास पहुंचा है, हर गांव में विकास। और मेरा एक त्रिपुरा क्यों पिछड़ गया है? गरीबों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर जो कम्युनिस्ट सरकार यहाँ पर शासन कर रही है, उसने भ्रष्टाचार और दमन के अलावा कुछ नहीं किया है। ये सरकार त्रिपुरा के विकास को रोक कर, आप मुझे बताइए, पूरे देश में विकास हो रहा है, त्रिपुरा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। माणिक सरकार की सरकार कर सकती है क्या? कर सकती है। जो सरकार विकास नहीं कर सकती उसको क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? अरे बदलना नहीं चाहिए, उतार कर फेंक देना चाहिए। त्रिपुरा का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार होगी, तभी त्रिपुरा का विकास हो सकता है। तो ये जो सीपीएमसी की सरकार है, ये कहते हैं हम बड़ी अच्छी सरकार। रोजवेली चिट फंड में सीपीएम के दिग्गज मंत्रियों का नाम है, त्रिपुरा के लाखों गरीबों का पैसा रोजवेली के अंदर इस सीपीएम के नेता चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए हैं। उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आज कहने आया हूं माननीय सरकार जी को, अगर आप में नैतिक हिम्मत है, आप बात साफ हो, आपके लोग अगर रोजवेली चिट फंड में लिप्त नहीं है, तो ये हिम्मत है तो रोजवेली चिटफंड की जांच सीबीआई को सौंप कर दो। सौंपना चाहिए नहीं सौंपना चाहिए? सौंपना चाहिए नहीं सौंपना चाहिए? मित्रों, मैं गारंटी लेता हूं, अगर न्यायिक जांच हुई तो रोजवेली का एक एक पैसा इस सीपीएम के नेताओं के घर से निकलेगा, मित्रों, उनके घर से। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, हर ठेका हर विकास का काम मोदी जी जो हजारों करोड़ रुपया भेजते हैं वो इनके कमीशन की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए त्रिपुरा में विकास नहीं होता है, ये विकास विरोधी सरकार है। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी सरकार चलाती है, मध्य प्रदेश में भी चलाती है, महाराष्ट्र में भी चलाती है। जाकर देखिए वहां के हमारे आदिवासियों का, ट्राइबल्स का घर जाकर देखिए, गांव जाकर देखिए, हर गांव में लाइट पहुंच चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है, 24 घंटा बिजली जाती है, 24 घंटा। हर गांव के अंदर दवाखाना खुला है, हॉस्पिटल खुली है, हर गांव के अंदर एम्बुलेंस है, हर गांव के अंदर शाला स्कूल खोलने का काम भी समाप्त हो गया है। हर आदिवासी के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। त्रिपुरा के ट्राइबल के विकास के लिए कुछ हुआ है भी बताओ जरा? हुआ है? त्रिपुरा के और नागरिकों के गांव के विकास के लिए हुआ है? दलितों के विकास के लिए हुआ है? पिछड़े समाज के विकास के लिए हुआ है क्या? मित्रों, ये सरकार विकास करना जानती ही नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तभी विकास होगा। मित्रों, महिला अत्याचार पूरे देश में जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के प्रोरेटा में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो त्रिपुरा की धरती पर होते हैं। 10 महीने के अंदर 919 महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार होता है। इस राज्य में महिलाएं सलामत नहीं होती वो राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मित्रों, ये 25 साल से ज्यादा समय से कम्युनिस्ट शासन में है और वो कहते हैं हम गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, कर्मचारियों की सरकार। मित्रों, आज त्रिपुरा में 25% लोग, 25% लोग पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बनकर बैठे। माणिक सरकार जी क्या करें? वो भाइयों बहनों बताओ, बेरोजगारी के लिए इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मित्रों, जो बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दे सकती वो सरकार त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, अभी अभी कुछ कर्मचारी मुझे मिलने के लिए सर्किट हाउस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि हमें तो अभी चौथे पगारपन फोर्थ पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। यहां पुलिस वाले खड़े हैं, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले खड़े होंगे, सरकार के सारे कर्मचारियों को, कर्मचारियों की ये सरकार सातवां पगार पंच नहीं दे पाई है, सेवंथ पे कमीशन का लाभ नहीं दे पाई है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बताओ भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चिंता मत करिए, बहुत कम दिन है माणिक सरकार की सरकार के। अब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन आई उसकी पहली कैबिनेट के अंदर सेवंथ पे कमीशन को दे दिया जाए। अभी अभी सर्किट हाउस में मुझे शिक्षकों के परिवार वाले मिलने आए कि भाई साहब हमारी तो नौकरी चली गई। मैंने कहा क्यों चली गई? तो उन्होंने कहा कोर्ट ने आदेश दिया। मैंने बोला कोर्ट ने क्यों आदेश किया? तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं। मैं बताता हूं कि 10,000 परिवार जो बेरोजगार हुए हैं उसका पाप किसी एक व्यक्ति के सर पर है तो यहां के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के सर पर। इन्होंने भर्ती करते वक्त, रिक्रूटमेंट करते वक्त सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी, सरकारी नियमों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 लोगों को निरस्त कर दिया। माणिक सरकार आप जवाब दीजिए, ये 10,000 लोग जो बेरोजगार हो गए हैं और अपनी नौकरी की नहीं मिलने की आयु भी पसार कर गए, इनकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? बताओ किसकी है? जरा जोर से बोलो किसकी है? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि ये सरकार त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, आप देश भर में चले जाए, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां टेलीफोन करोगे तो 10 ही मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आप तक पहुंचेगा। आप तक पहुंचता है क्या 10 मिनट में एम्बुलेंस? बताओ भैया, पहुंचता है? पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए? मगर माणिक सरकार की सरकार नहीं पहुंचा पाएगी, कम्युनिस्ट सरकार नहीं पहुंचा पाएगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं 10 ही मिनट में एम्बुलेंस पहुंचने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और त्रिपुरा के अंदर भी ये व्यवस्था कर दी जाएगी। मित्रों,
बढ़ रही है। आज देश में बीजेपी की 13 सरकारें हैं, कितनी है जरा जोर से बोलिए कितनी है। अब त्रिपुरा ने उसमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए भैया, जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। हमारी सरकार नहीं है फिर भी नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। आप कल्पना नहीं कर सकते, मगर ये माणिक सरकार जो है वो कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं। मित्रों, पहले कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी, कम्युनिस्ट उसका समर्थन करते थे। वो सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया 5 साल में दिया, कितना दिया बोलो भाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 25,923 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है मित्रों, 25,000 करोड़। मगर ये 25,000 करोड़ रुपया आपके विकास में काम नहीं आएगा, ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट, वो कैडर के बलि चढ़ जाएगा, बलि चढ़ जाएगा। तो पहली बार अगरतला से बांग्लादेश तक रेलवे का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, अगरतला में फ्लाईओवर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 3 विद्युत परियोजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां खोली, यहां के ट्राइबल की खुशहाली के लिए 200 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और डॉनर मंत्रालय की जो निधि थी उसमें 60% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। मित्रों, एक साइंस सिटी बनाई है जिसके माध्यम से त्रिपुरा का युवा ज्ञान और विज्ञान को जान सके, उसके लिए 28 करोड़ रुपया भेजा है। डिग्री कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए 48 करोड़ रुपया भेजा है। जीबी पंत अस्पताल के विकास के लिए 12 करोड़ रुपया भेजा है। कचरे का संयंत्र लगाने के लिए 6 करोड़ रुपया भेजा है, और एयरपोर्ट के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। मित्रों, इतनी बड़ी मैंने सूची पढ़ी, लगभग 35,000 करोड़ की। आपको विकास दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है? वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि जितना भी पैसा नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, एक कम्युनिस्ट सरकार की कैडर के बलि चढ़ जाता है। त्रिपुरा के बेरोजगार युवा के पास ये पैसा नहीं पहुंचता है। मित्रों, 5 नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस वे बनाया है, और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताइए, त्रिपुरा वाले मोदी जी में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं भाई, बताओ, जोर से बताओ। ये माणिक सरकार मोदी जी को त्रिपुरा का विकास करने देंगे क्या? करने देंगे? तो त्रिपुरा का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी ना, तो आप बनाएंगे? पूरे त्रिपुरा में फैल जाएंगे, घर घर जाकर बीजेपी का संदेश देंगे, हर गांव में बीजेपी का मजबूत घर बनाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर संकल्प कर बोलिए, भारत माता की।